फिल्म को लेकर बॉलीवुड की बार्बी डॉल कैटरीना कैफ काफी ज्यादा खुश थी और अहम में थी। उस फिल्म को लेकर एक हसीना ने निशाना साधा है सुपरस्टार सलमान खान पर। जी हां, सलमान खान ही बल्कि फिल्म भारत की बेइज्जती करते हुए सलमान खान को पेपर टाइगर बताकर जिस हसीना ने उनसे पंगा लिया है, उनका नाम है एक ऐसी सिंगर में दर्द जो हमेशा विवादित बयानों के लिए जानी जाती है। जी हां, जिस फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान की रॉब से आज भी सुपरस्टार्स तक पंगा लेने से घबराते हैं, उस फिल्म इंडस्ट्री का ही हिस्सा है वो हसीना जिसने सलमान खान से लिया पंगा। जी हां, देख रहे होंगे वो तस्वीरें जो कि बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा की है। सोना महापात्रा जिन्होंने सुपरस्टार सलमान खान का मजाक बनाकर ऐसी गुस्ताखी की है जिसके लिए शायद सुपरस्टार सलमान खान उन्हें कभी माफ न कर पाए। खैर, सलमान काफी दरिया दिल है इसीलिए शायद वो इस तरह के बयानों पर कभी गौर नहीं फरमाते, लेकिन जिसकी करियर के पीछे सलमान पड़ जाए या तो ऊपर उठ जाए या तो वो गिर जाए। जी हाँ, सोना महापात्रा ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा और सलमान पर निशाना साधते हुए भारत फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर होने वाली कमाई को लेकर रिपोर्ट में लिखा, इन पेपर टाइगर की पूजा करना बंद करें। सोना अपने ट्वीट में ये कहकर सबको चौंका गई। उन्होंने लिखा, आप उस फिल्म में सुपरस्टार को क्या कहेंगे जो एक हफ्ते में अच्छा रिटर्न देने में असफल रहा जबकि फिल्म का जमकर प्रमोशन हुआ। डियर इंडिया, ऐसे पेपर टाइगर्स की पूजा करना बंद करें। चलिए किसी ज्यादा काबिल हीरो को ढूंढते हैं। फिल्म भारत ने 100 करोड़ की कमाई भले ही छू ली हो लेकिन 200 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने अब तक न छुई हो, इसलिए सलमान खान को जिन्हें टाइगर कहा जाता है उन्हें पेपर टाइगर कहकर उनके बॉक्स ऑफिस पर होने वाली कमाई को मजाक बनाते हुए काफी ज्यादा गिरी हुई कमाई बताती हुई नजर आई सोना महापात्रा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।